नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, गोपालगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, लेकिन उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं बढ़ने वाली है क्योंकि अब उनसे जुड़ा हुआ मामला कोर्ट पहुंचने वाला है और वो भी 1 तारीख को। बीजेपी कोर्ट जाने वाली है 1 तारीख को, मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ रिट याचिका दायर करेगी। संजय जायसवाल ने कह दिया है, उन्होंने वो साक्ष्य भी दिखलाया है। एक कंपनी का नाम बताया गया है, वो कंपनी है सिल्वर हेरिटेज स्प्रिट LLP गिरिडीह, यानी झारखंड में ये कंपनी है और उसके निदेशक में नाम जो है मोहन प्रसाद गुप्ता का है। और इस कंपनी जो है, यह कंपनी जो है आपको शराब से जुड़े हुए कारोबार करती है और इसमें एक मामला भी दर्ज है। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को छिपा करके उन्होंने नॉमिनेशन किया है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, ऐसे लोगों को बेनकाब कर देगी बीजेपी। 1 तारीख को हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं और उनका नामांकन रद्द करने की मांग करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल मोहन गुप्ता को लेकर, पहले वो सुनिए। साफ है कि सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट LLP के ने शराब की स्मगलिंग का काम किया गिरिडीह में, और मेरे पास यह भी है कि सिल्वर स्पिरिट हेरिटेज के डायरेक्टर मोहन प्रसाद हैं और यह वही मोहन प्रसाद हैं। इनका पिता का नाम शंकर प्रसाद, नियर DAV गर्ल्स हाई स्कूल, आर्या नगर, वार्ड नंबर 21, गोपालगंज। और यह बताता है कि मोहन प्रसाद जी ने अपने केस को छिपा करके, शराब के केस को छिपा करके इन्होंने किया है। 1 तारीख को हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुसुम जी के द्वारा रिट दायर किया जाएगा कि मोहन प्रसाद का इलेक्शन का नॉमिनेशन कैंसिल हो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभाओं में लगातार कार्य कर रही है, दोनों उपचुनाव हम निश्चित जीतेंगे। पूरा उपचुनाव में NDA गठबंधन साथ है और NDA गठबंधन के सारे नेता प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे NDA गठबंधन के साथी हैं वह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करेंगे। संजय जायसवाल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा और साक्ष्य भी दिखलाए, कई पन्नों का साक्ष्य उनके हाथों में था, आपने भी देखा है। और उन साक्ष्यों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो केस दर्ज हुआ उसका ये कॉपी है, ये जो उनके नाम से कंपनी चल रही है आपको सिल्वर हेरिटेज स्पीड LPP गिरिडीह में, उसके ये निदेशक है। लेकिन कहीं भी उन्होंने नॉमिनेशन जो पर्चा दाखिल किया गया उसमें इसका जिक्र नहीं किया है कि मुझ पर एक केस चल रहा है। खैर, अब तो कोर्ट जाने के बाद कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि 1 तारीख को ये लोग रीट याचिका दायर करेंगे, 3 तारीख को वोटिंग है, कोर्ट को तो निर्णय लेना होगा। तो अब कोर्ट से क्या कुछ निकल करके आए उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, हम भी आपको वो खबर तुरंत बताएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।